हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबशर। सो गाइस, बहुत ही कमाल का बहुओं का वीडियो लेकर आए हैं। बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। कुछ सूर्य पे इल्जाम लगा रहे हैं और कुछ बकचोदियां भाई का साउथ अफ्रीका वाले पाकिस्तान वाले मिल के कर रहे हैं भारत के वर्ल्ड कप के ऊपर। तो पहले हुआ क्या देखते हैं, काउंट करते हैं। अच्छा, इस वक्त कर क्या रहे हैं आप लोग? हेलो, शायद पिछले 36 घंटे के जादुई सफर को साथ लेकर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट रहे होंगे। फॉर अ चेंज, ये वाला मंडे आपको खराब नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इस साल की सारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। राहुल द्रविड़ को उनके आखिरी कोचिंग मैच में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मिल गई, रोहित शर्मा को उनके आखिरी T20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान पहली बार ट्रॉफी उठाने का मौका मिला, और विराट कोहली के पास अब हर वो ट्रॉफी है जो ICC में एग्जिस्ट करती है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं रणतंत्र। इतनी खुशी है कि मैं संभाल ही नहीं पा रहा हूं यार, इतनी खुशी है मुझे आज तक। निशब्द हूँ, स्तब्ध हूँ। टीम इंडिया को डेडिकेट की गई हर एक ट्वीट पढ़ लेना चाहता हूँ, हर एक इंस्टा रील देख लेना चाहता हूँ, हर वो एडिट जिसमें 2023 वर्ल्ड कप के बाद हमारे खिलाड़ियों को उदास दिखाकर ट्रांजिशन में 2024 T20 वर्ल्ड कप के शॉट्स डाले जा रहे हैं, वो सारे वीडियोज खुद में मैं समा लेना चाहता हूँ। वर्ल्ड कप चैंपियन है हम लोग यार, मैं तो भूल ही चुका था कि ICC ट्रॉफी जीतने का मतलब क्या होता है। बस इसीलिए इंटरनेट पर सब लोगों की खुशी में शामिल हो जाना चाहता हूँ। लेकिन देखो, दुनिया में एक तरह के लोग तो होते नहीं है रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग, कुछ तो गोताखोर, कुछ बहुत है गोताखोर। मतलब जलन की नदी में गोते लगाते रहते हैं, और अब की बार इस गोताखोरी में सवार हुए हैं साउथ अफ्रीका वाले। वीडियो में आपको वही बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये कि एक ओवर 16 रन चाहिए थे, इंडिया ने ऐतिहासिक कमबैक कर लिया था। आखिरी ओवर फेंकने आए हार्दिक पांड्या के सामने डेविड मिलर थे। एक आउटसाइड ऑफ स्टंप पर फुल टॉस डाली गई, जिसको हिट करने में डेविड मिलर का बैट मुड़ गया, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ गई और ऑलमोस्ट छक्के के पार गिरने वाली थी, जब सूर्य भैया ने कैच पकड़ लिया। मोमेंटम की वजह से सूर्य बाउंड्री के अंदर जाने वाले थे, उन्होंने गेंद वापस फेंकी, बाउंड्री को पार कर गए, फिर वापस अंदर आकर कैच ले लिया। ये सबने देखा। वैसे तो अब इस तरह के कैच बहुत ही कॉमन है, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा फील्डिंग प्रदर्शन कर देने वालों को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। बस इतना कह सकता हूं कि इस कैच को भारत के इतिहास के बेस्ट फील्डिंग एफर्ट में काउंट किया जाएगा, और इसकी तुलना 1983 में कपिल देव के लिए गए कैच से करी जाएगी। लेकिन साउथ अफ्रीका में कुछ लोगों का मानना है कि ये कैच हुआ ही नहीं। एक ट्विटर अकाउंट है साउथ अफ्रीका के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने इस कैच की फोटो टॉप एंगल से लगाई। इसमें सूर्य कुमार यादव जो कैच पकड़ रहे हैं, तो बाउंड्री बोर्ड पीछे सरकी हुई दिख रही है, और जो बाउंड्री को मार्क करते हुए लाइन है, यानी जो एक्चुअल बाउंड्री है, सूर्य कुमार उसके अंदर कैच लेते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद इन भाई साहब ने एक फोटो भी लगाई जो कि ICC के रूल्स बताती है, और ये कहती है कि जो सफेद रेखा बाउंड्री बनाती है वही असली बाउंड्री है, और इसको मार्क करने के लिए अगर और ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता तो इसको बाउंड्री ना समझा जाए, बल्कि वो सफेद रेखा ही बाउंड्री है। यानी वो इल्जाम लगा रहे थे कि ये मैच इंडिया ने चीटिंग करके जीता। चीटिंग का। अब देखो, फोटो उन्होंने जिस एंगल से डाली उसमें साफ दिख रहा है बाउंड्री की रस्सी एक्चुअल बाउंड्री रेखा से पीछे थी। जब हमने चेक किया तो ये मामला पहले ही ओवर में हो गया था, जहां पर बाउंड्री बचाने के चक्कर में क्लासन ने डाइव लगाकर बाउंड्री रोक को पीछे खिसका दिया था। इसके बाद या तो साउथ अफ्रीका की टीम से किसी को या फिर मैच ऑफिशियल्स में से किसी को इसको ठीक करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। इसलिए ये कहना कि इंडियन टीम ने चीटिंग करी है, ये बकवास बात है। क्योंकि ऐसे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस ओवर में अक्षर पटेल को 24 रन पड़े थे, उस ओवर में जो दूसरी वाइड दी गई थी वो साफ साफ अंदर थी, लेकिन अंपायर ने फिर भी उसको वाइड दिया। उस प्रेशर में अक्षर पटेल ने दो छक्के खा लिए। कहने को तो बहुत सारी बातें बनाई जा सकती है तो नहीं ना, लेकिन बात बस इतनी है कि आप 30 गेंद में 30 रन नहीं बना पाए, हाथ में ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाए, और ये आपकी गलती है। हमें पता है कि इस तरह के मौके पर हम दूसरों की गलती ढूंढते हैं, अपनी गलतियां नहीं देखते। मुझे याद है 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में जब हम हारे थे, तो भी मैं इस बात पर कन्विंस हो गया था कि हम इसलिए हारे क्योंकि रिकी पॉन्टिंग के बल्ले में स्प्रिंग थी, लेकिन न तो उनके बल्ले में स्प्रिंग थी और न ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच में कोई बेईमानी करी थी, कमी हम ही में थी। अगर साउथ अफ्रीका भी आज दूसरों पर ब्लेम न डाल के खुद की कमी पर नजर डाले तो सीखेगी भी और आगे भी बढ़ेगी। बाकी मेरी तरफ से साउथ अफ्रीका की टीम को बहुत बहुत बधाई। कितने सालों के इतिहास में आप पहले टीम बने जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाई, ये अपने आप में अचीवमेंट है। मार्करम की बेहतरीन कप्तानी, उनके पीछे क्लासन यानसेन और तबरेज शमसी, केशव महाराज, कगिसो रबाड़ा, सबने बेहतरीन काम किया। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? हेलो, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या लगता है, थर्ड अंपायर ने जल्दबाजी में डिसीजन दे दिया और उनको और भी कैमरा एंगल चेक करने चाहिए थे, या फिर ये बकवास बातें और इंडिया सही में जीता है? जो भी आपको लगे कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देखना, पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू टुमारो, जय हिंद। अगर इतना तुम में गुदा था, तुम आखिरी ओवर में क्यों लेकर गए हो? इतना 24 24 पे 26 चाहिए थे, क्यों नहीं निकलो? क्यों नहीं बनाया उस टाइम? आखिरी छह बार छक्के पे था, पहले क्यों नहीं बनाया? पहले उखाड़ते ना, क्यों नहीं आउट हो गए? नहीं लग रही थी
देखो जब कोई जीत जाता है ना तो अपनी हार को स्वीकार करो, स्वीकार करो। और अब सिचुएशन में तो मैं एक बात बताऊं, अब साउथ अफ्रीकन वालों ने बात उठाई है ना, मुझे लग रहा है 100% के और भी उठाएंगे। सो बंद भाई, सो बातें यार, मेरी बात सुनो, सो बातें इंडिया भी उठा सकता है, एक जगह व्हाइट नहीं दी और वो क्लासन ने खुद की पीछे उसको भाई मेरे ये इंडियन प्लेयर का काम। एक बात सुनो भाई, क्लासन से वो लाख के पीछे हो गई थी ना, तो क्या भविष्यवाणी थी या कोई फ्यूचर वाली उधर ही बाल आएगी इंडिया के पास के उधर ही मिले उधर ही बाल फेंकेगी, वही तो कह रहा हूँ। और सबसे मेन बात यार, सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ यार, जितने भी उधर कैमरे लगे हुए हैं, थर्ड अंपायर का उधर कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, उनका काम है यार इंडियन क्रिकेट टीम का है कि जाकर उनको बताया कि इधर आउट नहीं देना। बस यार भाई जलते हैं इंडिया से, मैं सीधी बात करता हूँ, अमीर बोर्ड है इंडिया के, बोर्ड का पैसा है तो वो समझते हैं, बाकी बोर्ड के हर चीज यही मैनिपुलेट कर रहे हैं। देखो इंग्लैंड बात करता रहा है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाले, पाकिस्तान तो सारी उम्र करता रहा, अब साउथ अफ्रीका वाले कर रहे हैं यार, पीछे रख के भाई वो गलती नहीं है, बस अमीर बोर्ड है, सीधी सी बात है, तो वो हर चीज में कहते हैं कि यार सीधी सी बात है ना, जलन वही जलन है ना भाई, खुद तो इतने बड़े बोर्ड बना नहीं सके, अब इंडिया ने बना लिया पूरे दुनिया के रोजी रोटी, आप लोगों ने रिस्पेक्ट कर ली थी, हार कर भी आपने रिस्पेक्ट कमाई थी, हम जैसे बंदों, हम लोगों ने साउथ अफ्रीका के बारे में बहुत बुरी बातें नहीं की यार, हमने कुछ नहीं कहा उनको, हमने इस वजह से नहीं कहा कि उन्होंने परफॉर्म किया था, इंडिया से कुछ नहीं कहा, क्यों उन्होंने परफॉर्म किया था, बहुत बड़े चौके वो फाइनल तक गए थे, वो फाइनल तक गए, इतनी मेहनत करके गए हो, और वो जो इज्जत कमाई थी, आप लोग जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उनकी वजह से इज्जत गवा रहे हैं, यार भाई अजीब बकचोदी है, लेकिन चलो यार तुम लोग जितने भी इल्जाम लगाओ अब कुछ हो नहीं सकता भाई, जलन करते हो जो करते हो, आप बत्ती बना लो, इंडिया क्योंकि वर्ल्ड कप जीत चुका है, वर्ल्ड कप उनके पास आ चुका है, वो सेलिब्रेट कर चुके हैं, वो सब कुछ कर चुके हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई, बस बात ही कर सकते हो, आप सिर्फ आप बातें कर सकते हो, बातें करते रहो, सारी जिंदगी बातें करते रहो, आप जितने मर्जी है आप उनके ऊपर इल्जाम लगा लो, आपके पास वर्ल्ड कप दोबारा से नहीं आना, नहीं आना, इतने मर्द के बच्चे थे तो एक ओवर में 16 तक क्यों लेकर आए, 24 में कहता हूं जिम्बाब्वे को भी मिलते ना, 24 पे 26 मैं कहता हूं ना जिम्बाब्वे और किसी को मिलते, 24 पे 26 बनाने थे बना लेते उस टाइम, क्यों नहीं बना, अबे बड़े प्लेयर पड़े थे, आधी लाइनअप पड़ी थी इनके पास, वही तो पांच प्लेयर, किसने कहा मिलर को एंड के ओवर तक लेकर जाओ, वो तो बड़ा हिटर है, वो पहले ही मार देता, पहले हिटर नहीं लगी तो भाई अब उसके बाद क्लासन क्यों गया, क्लासन को मारना चाहिए था ना उसके बाद, और खिलाड़ी ऐसे ऐसे में तो मैंने एक ये नहीं, एक बंदा नहीं है भाई, टिकटॉक भरी पड़ी है इस चीज से, उधर के लोग वीडियो बना के बता रहे हैं, ये तो भाई थोड़ा अब घोट लो, आपका क्या इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।